हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरा नाम है और आज हम पढ़ेंगे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में तो देखिए हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे थे तो अब हमने सारी वीडियो पढ़ ली है अब जो ईयर है आपका कौन सा ईयर है टू और नाइनटीन ठीक है ना ये हमें पढ़ना है ठीक है तो ये इसमें भी दो वीडियो होंगे क्वेश्चन वन टू ट्वेंटी और ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव ठीक है ना तो चलिए वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं ये आपका लेवल टू है और पेपर है टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन का ठीक है तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब तो आइए वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है चलिए आगे आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखेंगे सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये किधर इसका साइन लगेगा तो ये यहाँ पर क्या लिखा है फाइव थ्री यहाँ पे कितना है फोर और यहाँ पे कितना है आपका फाइव ठीक है यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेंगे कितना है फाइव थ्री ये आपका कितना है फाइव है और ये आपका फोर है तो यहाँ पे बड़ा कौन नंबर है तो ये है आपका फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर ठीक है ना ये फोर्टी फाइव है ये फिफ्टी फोर है तो बड़ा कौन है फिफ्टी फोर तो इसका आ, आंसर जो है वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे अनिस स्पेन एट्टी नाइन टू फाइव बाई चॉकलेट्स एंड टू पेन इफ़ चॉकलेट कॉस्ट इज फिफ्टीन ईच देन दाइ फाइंड द कास्ट ऑफ वन पेन तो देखिए ऐसे लिखिए आप इसको फाइव चॉकलेट जो है और आपने क्या ख़रीदा दो पेन खरीदा इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है एट्टी नाइन रुपीज़ अब क्वेश्चन में ये कह दिया है कि एक चॉकलेट फिफ्टीन रुपीज़ का मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव इंटू एक चॉकलेट पंद्रह रुपये की तो पाँच चॉकलेट में क्या करेंगे फिफ्टीन टू पी लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एट्टी नाइन अब देखिए सेवेंटी फाइव हो जाएगा प्लस टू पी हो गया यहाँ पर और ये होगा आपका एट्टी नाइन ठीक है ना आपने लिख लिया टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एट्टी नाइन माइनस सेवेंटी फाइव ठीक है कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो आएगा फोरटीन अब देखिए टू पी इक्वल टू कितना आ गया फोर्टीन आ गया तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्टीन अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेवन रुपीज़ ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सेवन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे यहाँ पे अनसाइडेड फ्रैक्शन का हमें बताना है कि क्या होगा तो देखिए इसमें टोटल फाइव फिगर है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो आप लिखेंगे फाइव इसको भी लिखेंगे फाइव और कितना यहाँ पे कलर नहीं किया गया है ठीक है तो कलर क्या नहीं किया गया थ्री तो यहाँ लिखेंगे थ्री बाई फाइव प्लस करेंगे अभी ये पाँच पार्ट है टोटल तो टोटल पार्ट को हम नीचे लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव कितना इसमें कलर नहीं किया गया है अनसाइडेड पार्ट है तो ये टू टू बाई फाइव प्लस यहाँ पे फाइव पार्ट है और कितना कलर नहीं किया गया है थ्री देखिए जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर आपके सेम रहते हैं ठीक है ना तो हम न्यूमिनेटर को ऐड कर देते थ्री टू फाइव फाइव थ्री एट तो इसका आंसर आ जाएगा एट बाई फाइव इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन ये पूछा है वर्ड विल द डे थर्टी फाइव थर्टी फिफ्थ डे फ्रॉम द ट्वेंटी सेप्टेम्बर देखिए ट्वेंटी सेप्टेम्बर को आपका क्या है मंडे है ठीक है ना क्या है मंडे है अब मंडे से हम क्या करना शुरू करेंगे इसके बाद हम थर्टी फाइव डेज गिनेंगे ठीक है ना तो थर्टी फाइव डेज गिनेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा तो देखिए थर्टी फाइव को हम किससे डिवाइड करेंगे हर सात दिन के बाद वो दिन रिपीट होता है तो सेवन फाइव से थर्टी फाइव ठीक है ना तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है तो इसका आंसर जो होगा ये हो आपका होगा संडे ठीक है ना जीरो आ रहा है रिमाइंडर और साथ ही साथ यहाँ पे मंडे है तो मंडे से शुरू होगा लेकिन यहाँ पे कितने दिन होते हैं थर्टी डेज होते हैं तो एक दिन यहाँ पे कम पड़ता है तो मंडे के पहले क्या पड़ता है संडे तो इसका आंसर हो जाएगा संडे चलिए आ गया तो वैसे आप कैलेंडर में अगर गिन भी लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पर ट्वेंटी है तो इसके बाद थर्टी डे क्या होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ना तो इस तरीके से आप करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन आपका पड़ेगा ठीक है ना इलेवन ट्वेल्व फिर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है वन माइनस फोर तो यहाँ पे वन माइनस फोर होगा नहीं तो यहाँ दोस्तों आएगा इलेवन इलेवन में से फोर जाएगा तो आपका कितना बचेगा तो ये आपका बचेगा यहाँ पे सेवन uh, ठीक अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रहा होगा जिसने इसको क्या किया होगा ठीक है ना कैरी uh, दिया होगा लेकिन यहाँ पे आंसर टू भी आ रहा है तो अगर मैं यहाँ पे फाइव रख दूँ तो देखिए फाइव में से अगर मैं कैरी इसको एक दे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या फोर फोर में से टू जाएगा तो टू बचेगा ठीक है तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी फाइव तो क्यू की वैल्यू आपको कितना पता चला सेवन पी की वैल्यू आपको कितना पता चली फाइव अपॉन टू ठीक है तो इसमें कहते हैं सेवन में से फाइव जाएगा टू टू बाई टू इक्वल टू वन देखिए हमको जितने की नीट थी क्यू पी की नीट थी तो क्यू पी आपका यहीं पे मिल गया ठीक है ना चलिए तो क्यू पी मिल ही गया तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फाइव और क्यू की जगह पे लिख लीजिए सेवन बस खत्म हो गया ये तो टू बाई टू इक्वल टू वन इसका आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या लिखा है हमारे सामने ए लैडर इज़ फाइव मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हाई देखिए एक सीढ़ी है जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों इसकी हाइट है आपकी फाइव मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब स्नेहा कितना क्लाइंब करती है थ्री मीटर ट्वेंटी एट मालेजस स्नेहा यहाँ तक चढ़ती है कितना थ्री मीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको टॉप पे पहुंचने लिया मतलब कि यहाँ पहुंचने के लिए उसको अभी और कितना चलना है तो क्या करेंगे इसको हम माइनस कर देंगे फाइव मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर में से कितना घटा देंगे जितना ये चल चुकी है थ्री मीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो देखिए कैसे माइनस करेंगे यहाँ पर फाइव में से एट जाएगा नहीं तो यहाँ पर कह लेंगे फिफ्टीन में से एट जाएगा सेवन यहाँ पे हो जाएगा वन वन में से टू जाएगा नहीं यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा इलेवन इलेवन में से टू जाएगा तो बचेगा का यहाँ पर नाइन और यहाँ पे फोर में से थ्री जाएगा वन तो कितना बचा हुआ है वन मीटर नाइन्टी सेवन सेंटीमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगले क्वेश्चन पे आते हैं द गिवन क्लॉक टाइम इज़ फाइव मिनट्स स्लो ये जो घड़ी है वो पाँच मिनट स्लो यानी कि एक्चुअल टाइम अगर हम पूछें कि कितना हो रहा है तो एक्चुअल टाइम कितना होगा फाइव फिफ्टीन क्यों क्योंकि ये पाँच मिनट स्लो थी तो सही टाइम क्या होगा फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव अब क्वेश्चन ये कह रहा है रोहन वेंट टू प्लेइंग फॉर द इवनिंग द टाइम सोन इन द क्लॉक कम बैक आफ्टर ट्वेंटी फाइव मिनट तो देखिए ये बच्चा जो है ये पाँच पंद्रह पे घर से जाता है तो पच्चीस मिनट बाद वो कब आएगा ठीक है ना तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो कब आएगा पाँच बज के चालीस मिनट पर ठीक है ना यानी कि फाइव फोर्टी पर ये आएगा ठीक है ना समझ में आ गया क्वेश्चन तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हमें साइड्स बतानी है कि सबसे कम नंबर साइड्स कितनी है तो यहाँ पे गिन लेते हैं देखिए वन एक साइड साइड क्या होती है जो उसके चारों तरफ लाइनें बड़ी होती हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसमें कितने साइड हैं सेवन इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो सबसे कम किस्मी है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए आगे आते हैं अब नाइन टेन नंबर क्वेश्चन हमें ये ग्राफ देके करना है तो आइए हम ग्राफ देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है कि कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में इधर सब्जेक्ट्स हैं इधर नंबर ऑफ बुक्स हैं तो मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्टार का मतलब है टेन बुक्स तो यहाँ पर कितनी बुक्स हैं मैथ की थर्टी यहाँ पर कितनी है थर्टी साइंस की भी थर्टी हैं इंग्लिश की ट्वेंटी बुक्स हैं यहाँ पे कंप्यूटर की भी ट्वेंटी बुक्स हैं और यहाँ पे हिंदी की थर्टी बुक्स हैं ठीक है ठीके? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेदर देखिए मैथ में कितनी बुक हैं आपकी कितनी है थर्टी उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी तो इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं प्लस हिंदी में कितनी बुक्स है तो इंग्लिश में आपकी कितनी बुक है दोस्तों ट्वेंटी और हिंदी में आपकी कितनी बुक्स हैं थर्टी ठीक है 30, तो ये टोटल कितनी बुक्स हो गई फिफ्टी अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो मैथ और इन दोनों बुक का जो सम है इसका डिफरेंस कितना है आपका जी दोस्तों ट्वेंटी ठीक है तो उसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए अब यहाँ पे आते हैं देयर आर डैश मोर नंबर ऑफ़ साइंस बुक्स देन द कंप्यूटर बुक्स तो साइंस बुक आप देखिए कितना है थर्टी कंप्यूटर बुक्स कितना है आपका ट्वेंटी तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी बुक कितनी जो कंप्यूटर वाली बुक्स है वो कितनी ज़्यादा हैं तो कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं ये थर्टी या ट्वेंटी है मतलब कि टेन बुक्स ज़्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा टेन ऑप्शन का टेन ए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे इलेवन लिखा है फाइंड द फोर डिजिट ठीक है है आपको क्या बनाना है? दोस्तों even नंबर बनाना है इन्हीं चार नंबर से आपको बनाना भी है ठीक है ना तो आपका क्या बनेगा ठीक है ना लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं सिक्स फिर फाइव फिर थ्री फिर टू ये जब इसको हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो हमने पढ़ा है कि इवेंट नंबर के लास्ट में क्या आता है जीरो टू फोर सिक्स एट यानी कि वंस प्लेस पर अगर ये नंबर आते हैं तो ईवेंट नंबर है तो देखिए सिक्स फाइव थ्री टू आपका यही आंसर भी बनेगा फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए फैमिली बॉट ए एट, वंथ एट्टी थ्री पैकेट ऑफ मिल्क गया मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल टुगेदर देखिए तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं मार्च में कितने दिन होते हैं दोस्तों थर्टी वन डेज होते हैं ठीक है अप्रैल में आपके कितने डेज होते हैं थर्टी डेज होते हैं ठीक है अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो टोटल मिला के कितने दिन हो गए तो थर्टी प्लस थर्टी तो हो गया सिक्सटी वन डेज यानी कि दोनों महीने मिला के सिक्सटी वन डेज हुए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों महीने मिला के वन एट्टी थ्री पैकेट इन्होंने मिलकर खरीदे क्या करेंगे सिक्सटी वन से हम डिवाइड करेंगे किसको वन एट्टी थ्री को ठीक है ना तो सिक्सटी वन को जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा सिक्सटी वन थ्रीजा आपका कितना होता है वन एट्टी थ्री ठीक है तो ये कैंसिल हो गया यानी कि एक दिन में वो लोग कितने पैकेट दूध खरीद रहे हैं तीन पैकेट दूध खरीद रहे हैं तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो फैमिली है वो मार्च के महीने में कितने पैकेट दूध खरीद तो मार्च में कितना दिन होता है थर्टी वन डेज और मार्च में एक दिन एक दिन में तीन पैकेट खरीद रहे हैं तो थर्टी वन डेज में कितना खरीदेंगे नाइन्टी थ्री पैकेट्स ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्टी थ्री ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं क्वेश्चन थर्टीन पे जब आएंगे दोस्तों तो इसको हम कैसे करेंगे इसको देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं एक ए ठीक अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे देखिए लिखा हुआ है फाइव सेवन टू इंटू ए इंटू फिफ्टी इक्वल टू वन सिक्सटी फाइव इंटू फिफ्टी टू टू टेन तो देखिए ये दोनों नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा देखिए ए इक्वल टू लिखेंगे क्या लिखेंगे वन सिक्सटी फाइव इंटू फिफ्टी टू इंटू टेन अपॉन ये दोनों नंबर यहाँ पे आ जाएंगे फ़ाइव सेवेंटी टू इंटू फिफ्टी ठीक है तो देखिए ये तो आपको बहुत ईजिली कट जाएगा टेन वन जो टेन और टेन फाइव जो फिफ्टी ठीक है अब फाइव से इसको कट करेंगे तो फाइव वन जो फाइव और फ़ाइव थ्री जो फिफ्टीन और यहाँ पे फाइव थ्री जै फिफ्टीन थर्टी थ्री हो गया अब देखिए फिफ्टी फिफ्टी टू टेन ज़ा कितना होगा फिफ्टी टू टेन ज़ा होगा फाइव हंड्रेड ट्वेंटी तो फिफ्टी टू इलेवनजा कितना होगा फ़ाइव हंड्रेड सेवेंटी टू तो यहाँ पे इसको कट करेंगे इलेवन आ जाएगा और इलेवन वन जै इलेवन और एलेवन थ्री जो थर्टी थ्री तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री ठीक है चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री ठीक है और देखिए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा देखिए आप तीन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन सिक्सटी फाइव ठीक तो ये आएगा एट फाइव देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा एट फाइव एट डबल जीरो ठीक अब देखिए यहाँ पे जो इधर इक्वल टू लिखा हुआ है ठीक है ना क्या लिखा है फाइव सेवन टू इंटू फिफ्टी इनकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए कितना आ रहा है टू एट सिक्स डबल जीरो अब आप क्या करेंगे ऑप्शन में से ऑप्शन में से जैसे टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टू की मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है तो इंटू हम टू कर लिए कितना आया फाइव सेवन टू डबल ज़ीरो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा ठीक है अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं ठीक है थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ठीक है जब थ्री का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर तब यही आएगा आपका एट फाइव एट डबल ज़ीरो तो जब दोनों सामने सामने इक्वल टू इक्वल हो जाएंगे ठीक है ना दोनों का आंसर इक्वल हो जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा यानी कि थ्री तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे आते हैं फोर्टी नंबर क्वेश्चन पे वन एट्टी पीपल आर डिवाइडेड इन टू टीम्स एट पीपल ईच फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स तो देखिए आठ लोग एक टीम में रहते हैं तो एट से डिवाइड कर देंगे वन एट्टी फोर पीपल है कितने लोग एक टीम में आएंगे तो एटीन टू जा सिक्सटीन यहाँ पे टू आएगा यहाँ पे फोर आएगा एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर तो एक टीम में कितने लोग आएंगे दोस्तों ट्वेंटी थ्री तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है फ्रैक्शन में आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमने सिक्स लिख दिया कॉन्सोनेंट यहाँ में कितने हैं देखिए ए ई आई ए ई आई ओ यू ये सब आपके क्या है वॉब हैं बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो आपके क्या है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे क्या क्या है देखिए कॉन्सोनेंट यहाँ पे आपका है ई एक्स पी एंड डी तो कितने हो गए फोर कितने हो गए फोर हो गए तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा फोर बाई सिक्स क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था कॉन्सोनेंट अगर वो का पूछा जाता तो ऑबेल यहां पे कितना है सिर्फ और सिर्फ एक मिनट यहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है ठीक है यहां पे देखिए कॉन्सोनेंट क्या है एक्स है पी है N है D है E और A क्या है आपके वॉबेल हैं ठीक है ना तो वॉबल का अगर पूछा जाता फ्रैक्शन तो टू बाई सिक्स होता ठीक है और कॉन्सोनेट क्या क्या होगा फोर बाई सिक्स होगा ठीक है चलिए अब आगे आते हैं आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये करना है कि निडिल बताना है आपको कि ये कितनी लंबी है कितने निडिल की लंबी है तो देखिए जो क्रेन है ये क्रेन ठीक ये क्रेन आपकी कितनी लंबी है थ्री निडिल ठीक है थ्री एन लिख दे रहा हूँ मैं और आपका ये जो ब्रश है ब्रश आपका कितना है वन टू थ्री फोर फोर नीडल आपकी ये लंबी है और आपका की कितना है वन टू तो टू टू की आपका ये लंबा है ठीक है ना टू नीडल लंबा है क्या, क्या आपका की ठीक है अब क्वेश्चन ये करना है टोटल लेंथ ऑफ क्रेन एंड की तो की कितना है की है आपका टू और क्रेन आपका कितना है थ्री तो थ्री टू कितना हो जाएगा फाइव यानी कि फाइव पॉइंट ये से लंबा है मतलब दोनों को मिला के तो कितना हो जाएगा फाइव नीडल के इक्वल तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अगला है की इज डैश शॉर्टर डेंट ब्रश तो देखिए पेंट ब्रश से ये कितना छोटा है ठीक है ना की तो पेंट ब्रश आपका कितना है फोर और आपका की कितना है टू तो फोर माइनस टू कितना हो जाएगा टू यानी कि कितना निडिल छोटा है इससे टू तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन पे आते हैं यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बताना है ट्रू फॉल्स ए क्यूब है सिक्स पेसेज एंड ट्वेल्व साइड्स ठीक है तो बिल्कुल ठीक बात है क्यूब फेसेस होते हैं होते हैं साइड्स किस सिलेंडर है थ्री फेस एंड सिलेंडर के तीन फेस होते हैं और एक जीरो कोई भी इसमें नहीं होता है ठीक बात है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ पी एंड क्यू चले आगे आते हैं नाइनटीन नंबर नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या है इफ थर्टी फाइव पैसेंजर कैंसेट इन वन बस फोर टू हंड्रेड पैसेंजर कैंसेट हाउ मेनी बसेस तो देखिए एक बस में थर्टी फाइव पैसेंजर आते हैं तो बयालीस पैसेंजर कितने में आएंगे तो थर्टी फाइव से डिवाइड कर देंगे दोस्तों ठीक है थर्टी फाइव से डिवाइड कर देंगे कि इसको फोर टू डबल जीरो को तो थर्टी फाइव फन जो थर्टी फाइव ठीक है अब देखिए यहाँ पर ट्वेल टू में से फाइव देंगे ट्वेल्व में से फाइव जाएगा कितना बचेगा सेवन यहाँ पे फोर यहाँ पे थ्री हो जाएगा थ्री में से कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे जीरो थर्टी फाइव टू सा कितना होता है सेवनटी ठीक है ये खत्म हो गया यहाँ पे एक जीरो था एक ज़ीरो यहाँ पे बना देंगे तो कितने बस की और आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन वन ट्वेंटी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन ट्वेंटी मतलब कि वन ट्वेंटी बस और चाहिए हमें ठीक है चलिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो देखिए मीटर वाली चीज़ें सबसे बड़ी होती हैं ठीक है ना तो इसका आंसर होगा ये देखिए क्योंकि ये लीटर में है फिर इसके बाद मीटर फिर लीटर तो ये ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है फिर यहाँ पे देखिए नाइन ग्राम तो किलोग्राम बड़ा होता है तो सबसे पहले हम किलोग्राम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे बड़े क्रम में लिखेंगे लेकिन यहाँ पे वन के जी लिखा है फिर टू के जी लिखा है फिर यहाँ पे पंद्रह सौ ग्राम लिख दिया है तो ग्राम नहीं होगा यहाँ पे के जी में ही लिखना चाहिए था इसको और ये अगर लिखेंगे तो वन पॉइंट फाइव के सी होगा तो ये गलत हो जाएगा एसेंडिंग ऑर्डर में ही फिर ये डिसेंडिंग हो गया तो ये गलत हो गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक है कैसे देखिए थ्री मीटर फिर फोर मीटर फिर फोर मीटर देखिए फिफ्टीन सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है और सबसे बड़ा क्या है फाइव सेंटीमीटर तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बाकी के जो फिफ्टीन क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा इसलिए वीडियो दो पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने में भी समस्या होता है बोरिंग भी लगता है तो इसलिए मैं वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे तो यहाँ पर वीडियो खत्म होता है मिलते हैं हम अपने अगले आ, चैप्टर पर ठीक है ना सॉरी अगला ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर से हम करेंगे तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में